वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्री ज्ञान। तो अब तक हमने डिस्कस किया था मशरूम के बारे में और मशरूम की इम्पोर्टेंस। अब हम आज हम पढ़ेंगे स्पान प्रोडक्शन का टिश्यू कल्चर मेथड। तो स्पान प्रोडक्शन टू टाइप्स से होता है, एक तो टिश्यू कल्चर मेथड और सेकेंड वन इज स्पोर कल्चर मेथड। तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं टिश्यू कल्चर मेथड का, तो हम आज टिश्यू कल्चर मेथड ही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको क्या करना होता है। टिश्यू कल्चर मेथड में हम सबसे पहले टिश्यू लेंगे, ठीक है। उस जो टिश्यू हम लेंगे उसको एक्सप्लांट भी बोलते हैं। एक्सप्लांट मतलब पीस ऑफ टिश्यू, सेल और ऑर्गन जिसका हमने कल्चर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कैसे लेंगे टिश्यू और कहाँ से लेंगे। तो मशरूम का जो गिल वाला पोर्शन है, जो हमने देखा था मशरूम के स्ट्रक्चर में, तो उससे लेना है टिश्यू। वो भी कितना, 2.2 mm साइज का छोटा सा लेना है। और किसकी मदद से, स्केलपल या ब्लेड की मदद से, जो कि स्टरलाइज होना चाहिए। स्टरलाइज उसको कैसे करेंगे, या तो अल्कोहल में डिप करके या डिस्टिल्ड वाटर से उसको स्टरलाइज करेंगे। दोस्तों स्टरलाइज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को माइक्रोब्स फ्री करना, उससे पूरे माइक्रोब्स को हटा देना। एंड सेकेंड स्टेप है इसमें इनोक्युलेट द वो पीस ऑफ ये टिश्यू, जो हम टिश्यू लेंगे उसको इनोक्युलेट करना। इनोक्युलेट मतलब जो हमारा कल्चर मीडियम है उसमें उसको रखना। तो थर्ड पॉइंट है इंक्यूबेट एट 25 ± 1 °C फॉर 6 to 12 days। जब हमने उसको क्या किया अब तक कि जो हमारा टिश्यू था उसको इनोक्युलेट कर दिया किसमें, कल्चर मीडियम में जो हमने सीखा था बनाना PDA, तो उसमें इनोक्युलेट करने के बाद इसको इंक्यूबेट करना है कितने डिग्री सेल्सियस पे, 25 ± 1। इसका मतलब होता है कि 25 से एक डिग्री ज़्यादा या फिर एक डिग्री कम, जो कि 24 to 26 हो गया। और कितने दिनों के लिए, 6 to 12 days। और बीच बीच में इसको चेक करना है कि माइसीलियल ग्रोथ हुई कि नहीं। अब माइसीलियल ग्रोथ क्या होती है, जो हमने देखा था कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो माइसीलियम के जैसे ग्रो होती है, तो इसमें जो कल्चर मीडियम है हमारा उसमें वाइट वाइट ग्रोथ होगी, तो ये होगी माइसीलियल ग्रोथ। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्पान प्रोडक्शन का टिश्यू कल्चर मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, टिश्यू लेना है, उसके बाद उसको इनोक्युलेट करना है, उसके बाद इंक्यूबेट करना है। बस तीन ही स्टेप्स है। अब इनोक्युलेट मतलब होता है कि जो टिश्यू है उसको हमने कल्चर मीडियम में रखना, जो टिश्यू है उसको कल्चर मीडियम में रखना है इज कॉल्ड इनोक्युलेशन। और इंक्यूबेशन, जो कल्चर मीडियम में टिश्यू रखा है उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर में रखना, ये इंक्यूबेशन कहलाता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि हमने टिश्यू कल्चर किया था, फिर इसमें माइसीलियल ग्रोथ हो गई थी, फिर इसके बाद क्या करते हैं, वो माइसीलियल ग्रोथ को हम डायरेक्ट सोइंग नहीं कर सकते उसकी, फिर हम इसके लिए इसको एक मास्टर या स्टॉक कल्चर बनाना पड़ता है। फिर उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको किसी ग्रेन्स पे रख के बनाते हैं, ग्रेन्स को सबस्ट्रेट बना के उस माइसीलियल को इनोक्युलेट किया जाता है। तो ग्रेन्स जैसे कि वीट ग्रेन्स, सॉर्गम या राई, आपने देखा भी होगा, स्पान देखा होगा तो उसमें दिख जाएगा कि जो माइसीलियल होती है वो ग्रेन्स के ऊपर ग्रो कराते हैं। वो ग्रेन्स क्या होते हैं, प्रोवाइड फूड टू माइसीलियल, माइसीलियल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। मास्टर या स्टॉक कल्चर कैसे करते हैं, इसमें इसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट में क्या करना है हमको, जो ग्रेन्स हमने लिए हैं उनको बॉयल करना है। जैसे अगर हम 10 kg ग्रेन्स लेंगे तो 15 L पानी में इसको 20 मिनट्स तक बॉयल करना है। इसके बाद इससे जो पानी है उसको ड्रेन करना है, इसको 8 to 10 hours तक। इसके बाद क्या करना है, फिर ग्रेन्स में क्या करना है, जब जिप्सम एंड चॉक पाउडर मिक्स करना है। जिप्सम इसमें 2% एंड चॉक पाउडर 0.5%। इससे हमारा pH भी मेंटेन रहता है और जो ग्रेन्स है आपस में चिपकते नहीं है इससे। और उसके बाद हमको जो ग्रेन्स है इनको बॉटल्स में फिल करना है, उस बॉटल को कॉटन से बंद कर देना है।
पड़े फोर स्टेप्स। अब ये फिफ्थ स्टेप है, स्टरलाइज करना है उसको, बॉटल्स को जिसमें ग्रेन भरे हुए थे उनको 22 LBS। ये LBS है प्रेशर की यूनिट, प्रेशर नापने की। कितने टाइम तक? 1.5 to 2 आवर्स तक इसको ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करना है। इसके बाद इसको स्टरलाइज करने के बाद वो बॉटल्स बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगी, तो इनको पूरी रात भर इनको ठंडा होने देंगे। फिर इसके बाद जो बॉटल्स ठंडी हो गई, इसमें जो हमारा जो प्योर कल्चर था अगार मीडियम वाला, उसमें माइसीलियल ग्रोथ हो गई थी, उसको इसमें इनोक्यूलेट करेंगे। इनोक्यूलेट करने के बाद इसको इंक्यूबेट कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे, और 7 दिनों के बाद बॉटल्स को हिलाना है, क्योंकि इसमें माइसीलियल ग्रोथ पूरे में फैल गई होगी। तो उससे हिलाने से क्या होगा, जो माइसीलियम होगा वो पर्टिकुलर ग्रेन में आ जाएगा, फिर हमारा स्पान रेडी हो जाएगा 2 वीक्स के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।